हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पूनम चौबे ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले से वेज मलाई कोरमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसकी सब्जी खाने के बाद तो आप नॉनवेज खाना ही भूल जाएंगे। एक बार इस तरह बनाइए। सभी बनाते हैं तो सभी हैं, बट सबका अपना अपना तरीका होता है। बट इस तरीके से, इस रेसिपी से एक बार अगर बनाएंगे तो आप पक्का है कि नॉनवेज ही खाना भूल जाएंगे और कोई चीज़ ही नहीं बनाएंगे अगर इसको बनाएंगे तो। ये हमने ले लिया था आधा किलो, 4-5 केले थे हमारे। हमने एक बॉल में पानी रखा थोड़ा सा बॉयल होने के लिए, और उसमें थोड़ा नमक डाल दिया है। इसको आधे आधे टुकड़ों में कट कर लिया हमने। एक केले से मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया था। अब इसको हम 10 मिनट तक के लिए बॉयल करेंगे, इसमें रख देंगे। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाना फ्रेंड्स, और बताना मुझे कि आपको ये कच्चे केले की सब्ज़ी कैसी लगी। बाकी केले की सब्ज़ी तो सभी बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, और इस तरीके से किसी ने नहीं बनाया होगा। फर्स्ट टाइम ये हमने यूट्यूब पे डाला। ये देखिए कैसा लग रहा है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये कैसा बनेगा। तो स्किप मत करिएगा, इसको पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये हमने ले लिया था 1 कटोरी बेसन, जब से हमारा वो ठंडा हो रहा है तो 1 कटोरी बेसन ले लिया हमने। उसके बाद हम इसमें जो सामान है, अजवाइन, नमक, मिर्च और धनिया के पत्ते डाल देंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद हम इसका जो बैटर रेडी करेंगे, थोड़ा पतला ही बैटर होना चाहिए हमारा, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पतला बैटर रेडी करके थोड़ी देर के लिए इसको रख दीजिए, ताकि ये बेसन जो है हमारा अच्छे तरीके से फूलता रहे। तब से ये हमारा केला जो है ठंडा हो चुका है, तो इसको हम हाथ से ही अच्छी तरह से निकाल लेंगे। कम तेल में बन जाता है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा तेल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। बॉयल होने के बाद इसका तेल ज़्यादा नहीं सोखता है, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। मैं आपको बताती हूँ, इसको तलना भी नहीं है, कम तेल में ही फ्राई करके मैं कैसे बनाऊँगी। कुछ केले मेरे ख़राब हो गए थे बॉयल होने के बाद अंदर पता चला, तो हमने इसको कट करके निकाल दिया है। ये देखिए हमारा ये केले जो हैं पतले, थोड़े मोटे में ही करिएगा, ज़्यादा पतला मत करिएगा, थोड़े मोटे में लंबे लंबे कट कर लेना फ्रेंड्स। उसके बाद एक फ्राई पैन ले लीजिएगा, उसमें जो है 3-4 चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा। इतने में ही देखिएगा फ्रेंड, 3-4 चम्मच में ही मेरे जितने भी केले हैं सारे अच्छी तरह से फ्राई होकर निकल जाएंगे, अब बिल्कुल अच्छे पकौड़े की तरह ही लगेंगे। और देखिए ये हमने एक एक करके सारे इसमें फ्राई पैन में डाल के अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा ऑयली पसंद है तो आप तल सकते हैं। इसको ढक देना फ्रेंड, ढकने के बाद अगर 5 मिनट आप इसको ढक देते हैं तो जो है कि ये ऊपर से अच्छी तरह से पक जाता है। फिर फ्राई होने के लिए इसमें टाइम नहीं लगता, फिर नीचे से अच्छे से फ्राई हो जाएगा। जब नीचे हमारा अच्छे से हो जाएगा, दोनों साइड हो जाएगा, फिर इसको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको तलना ज़्यादा पसंद है तो आप तल सकते हैं, बट अगर तेल में फ्राई करना है तो इससे भी बहुत ही टेस्टी बनेगा, कम तेल में बहुत ही परफेक्ट बनेगा। ये हमारा पकौड़े जो है हम तल लिए हैं, अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे। और मेरा तेल देखिए फ्रेंड्स, वैसे का वैसे ही बचा है, तेल भी हमारा ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, क्योंकि हमारा जो केला था वो बॉयल हो चुका था और तेल, ये बेसन भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया, तो हमने अच्छी तरह से इसको बना लिया। बाकी जो दूसरा है हम पूरा ही फ्राई पैन में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हमने एक ले लिया है कढ़ाई, और उसमें हम गैस ऑन करेंगे, हम इसकी तरी बनाएंगे। अब तो हमने 3-4 चम्मच तेल डाल दिया है। हम सब्जी जो है मस्टर्ड ऑयल में ही डाल बनाते हैं। अगर आपको रिफाइंड ऑयल में बनाना है तो आप बना सकते हो फ्रेंड। और ये है जीरा, मेथी और सौंफ, सौंफ ज़रूर डालना। हमने ये डाल दिया है तेल में, तेल में हो जाएगा। तो हम इसमें डाल एक प्याज, एक कटी प्याज रखी थी हमने, बड़ी प्याज छोटे छोटे चॉप करके रखा था हमने, और ये हमने डाल दिया। इसको ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट तक के लिए इसको पकाना है। 2 मिनट हमारा ये हो गया है। उसके बाद अदरक लहसुन को हमने दरदरा कूटा था, और 3-4 हरी मिर्ची लेके हम इसमें अच्छे तरह से इसको थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाना। प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, उसके बाद फिर बताना कि कैसा बना है, और कमेंट में ज़रूर बनना फ्रेंड। अगर पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमने ये टमाटर प्यूरी डाल के, टमाटर जो है हमारा 10 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे। अच्छी तरह से पहले टमाटर को हम पका लेंगे। जब हमारा अच्छी तरह से टमाटर जो है पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो आइए हम बताते हैं क्या क्या मसाले
डालने हैं इसमें हमने एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ये चिल्ली पाउडर और आधा चम्मच हमने गरम मसाला, नमक, नमक हमारा पहले भी था तो थोड़ा नमक हम कम डालेंगे, आपको तेज पसंद हो तो आप नमक डाल सकते हैं। ये डालने के बाद हमने अच्छे से मिला लिया, फिर हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर भी अच्छे से भून लिया है हमने। उसके बाद फ्रेंड्स आइए देखिए हम क्या डालते हैं इसमें, जिससे इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा। तो ये हमने डाल दिया है फ्रेश मलाई, 1 से 2 चम्मच ये फ्रेश मलाई है, घर की फ्रेश मलाई है। आप मार्केट की क्रीम भी ले सकते हैं जो मार्केट में क्रीम अवेलेबल है, बट इससे बेटर क्रीम मुझे नहीं पसंद आता है क्योंकि हमारे घर की मलाई है। तो हमने ये डाल दी है 1 से 1.5 चम्मच तक मलाई। अब इसको 2-4 मिनट के लिए हम ढककर धीमी आँच में बिल्कुल पकाएंगे ताकि ये मसालों के साथ जो है मलाई भी हमारा पक जाए। ये देखिए हमारी मलाई बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल अच्छा भून, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखिए हमारी पक गई है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप दूध, आधा कप जो दूध है इसमें ज़रूर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट बनता है। प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना फ्रेंड, पूरा वीडियो देखना और अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर चावल से खाना है तो आप पानी अपने हिसाब से जितना आपको पानी डालना है आप उतना डाल सकते हो, उतना पतला कर सकते हो। ये हमने इतना पानी डाल दिया है, कम से कम 1.5 गिलास के लगभग हमने पानी डाल दिया था। ये हमारा पानी बॉयल होने लगा है, 2-4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए पहले पानी अच्छे से 2-4 मिनट बॉयल हो जाए। हमारा पानी 2-4 मिनट के लिए बॉयल हो गया था, उसके बाद जो हमने कोरमा अपने फ्राई कर रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद उसके डालने के बाद 3-4 मिनट के लिए हम इसको ढक कर और धीमी आँच में पकाएंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारा पक चुका है, हमारा ऑयल भी साइड साइड में बिल्कुल अलग हो गया है, अब बिल्कुल परफेक्ट लगा है क्योंकि पानी के साथ साथ हमारा जो दूध था, मलाई था, उसका कोई टेस्ट तो सब उसमें पक गया है। ये हमने कसूरी मेथी लिया है फ्रेंड्स, कसूरी मेथी हमने थोड़ा सा ड्राई कर लिया था और क्रश करके हमने डाल दिया है, हमने डाल दिया धनिया की पत्ती। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है कोरमा। आप फ्रेंड्स ज़रूर बताना मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी वीडियो, ये कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। हमारा लंच रेडी हो गया, आज के लंच में हमने यही बनाया था जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। केले की ये मलाई कोरमा बहुत ही परफेक्ट बनता है, बहुत टेस्टी लगेगा। आप प्लीज़ खाना और सबको खिलाना और बताना कि कैसा लगा। मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आया, हमारे घर में अक्सर बनता रहता है इसका, हमने सोचा कि आपके साथ भी हम ये शेयर करें। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।